नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर 17 जून दो हज़ार इक्कीस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो जो बटन के थ्रू कल के क्यूज में क्वेश्चन नंबर वन में जो मैंने ऑप्शन मार्क किया था वो गलत था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था काफ़ी लोगों ने यह बोला था स्टेटमेंट टू गलत है एक्चुअली आप लोग सही है मैंने एक्सप्लेनेशन भी सही दिया था पर ऑप्शन में गलती हो गया फॉर द मिस्टेक एक्चुअली मैंने इधर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एम्स एंड एम्यूनेशन एक्चुअली जनरलाइज सिस्टम ऑफ में एम्स एंड एम्यूनेशन इंक्लूड नहीं होता है एक्सक्लूडिंग एम्स एंड एम्युनेशन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें यह मिल जाएगा तो स्टेटमेंट टू भी इधर गलत हो जाता है सो द आंसर इज ऑप्शन बी थ्री ओनली राइट आज का क्वेश्चन नंबर वन विध रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन सी थ्री ओनली देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉरी एक न्यूज आया था हशिसा ने सुबह कवर भी किया था देखिए दोस्तों इसमें जो स्टेटमेंट नंबर वन है ये गलत है क्या लिखा हुआ है एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने यूपीएससी पी टू मतलब पिछले साल का जो फिल्म से उठाया हुआ है ये करेक्ट ये सेम स्टेटमेंट यूपीएससी पी सी टू थाउजेंड ट्वेंटी पूछा था देखिए दोस्तों ये गलत इसलिए है इसमें क्या लिखा है रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ये रॉन्ग हो जाता है इसीलिए क्योंकि यूरिया जो सबसे बिकने वाला फर्टिलाइजर है हमारे देश में यूरिया यूरिया का प्राइस जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करते हैं यूरिया का जो एम आर पी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है गवर्नमेंट स्टैचूटरली फिक्स करते हैं हर साल के लिए ठीक है तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है बात बाकी जितने नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करते हैं पर गवर्नमेंट क्या करते हैं उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को ताकि फार्मर्स को फेयर प्राइस में फर्टिलाइजर्स मिल जाए तो इसके रिगार्डिंग काफी न्यूज आ रहा है तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा ठीक है तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते ही आपको एक पर्सनालिटी का नाम याद आना चाहिए पाइनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोल सकते हो वो कौन है देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेसिकली हमारे देश में जो क्रॉप का प्रोडक्शन है यील्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रेवल्यूशन लाया गया था उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था हमारे देश में जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया था इसकी वजह से ठीक है इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इरिगेशन कंट्रोल वाटर सप्लाई इंप्रूव मॉइस्चर यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड एंड एसोसिएटेड मैनेजमेंट स्किल ये सब कंपोनेंट्स की एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन की वजह से हमारे देश में इंप्रूव्ड क्रॉप यील्ड हुआ था ठीक है तो ये फर्टिलाइजर्स यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोसेस भी ग्रीन रेवोल्यूशन का एक पार्ट था ध्यान दीजिएगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर्स को एस एन एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया है ये तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने काफी बार आपको बताया भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के थ्रो तो, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर है 1957 का फर्टिलाइजर इज एन एसेंशियल कमोडिटी उसका होर्डिंग वगैरह नहीं हो सकता ठीक है एज वेल एज मार्केट लिंकिंग ऑफ यूरिया प्राइस इज कंसर्न एमआरपी ऑफ यूरिया स्टैट्यूटली फिक्स यूरिया का जो प्राइस है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो गर्वन फिक्स करते हैं सो हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी थ्री ओर ली गज नोटिफाइड फर्टिलाइजर एन एसेंशियल कम्युनिटी बाकी दोनों गलत है मैंने आपको एक्सप्रेशन में बताया है क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डी पोशन मिशन बींग लॉन्च बाई इंडिया विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इज ऑप्शन डी टू वन थ्री तीनों स्टेटमेंट सही है देखिए डीपोशन मिशन के रिगार्डिंग एक न्यूज आया था सुबह हर्षा ने डेली न्यूज में कवर भी किया था ये क्या है इंडिया विल सून लॉन्च एन मिशन दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स तो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमें पता है हमारे देश का तीन साइड में पानी है बेसिकली अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन वगैरह है इसके जो ओशन बेड है उसमें काफी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है अगर इसको ठीक तरह से एक्सप्लोर करोगे ना तो हमें मिनरल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगा आपको पता ही होगा मिनरल्स जो है काफ़ी कुछ चीज़ों में यूज़ करते हैं मोबाइल फोन टीवी स्मार्टफोन एयरक्राफ्ट सब चीज़ में यूज़ होता है मिनरल्स ठीक है तो अगर हम हमारे ओशन बेड हमारे जो टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे जितने मिनरल्स हैं इसको एक्सप्लोर करेगा तो अच्छा रहेगा तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस राइट ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसमें सबसे मेन एम है टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट पोली मेटेलिक नूडल्स जिसको पी बोलते हैं देखिए पोली मेटेलिक नूडल्स मतलब छोटे छोटे पोटेटो लाइक राउंडेड एक्रीजन है जिसमें काफी सारे मिनरल्स होगा मैंगनीस निकल कोबाल्ट कॉपर आयन हाइड्रोक्साइड ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ओशियन बिल्ड में और इसको अगर एक्सप्लोर करना है बेसिकली कलेक्ट करना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो ये पर्टिकुलर डी पोशन मिशन में इस तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल भी करेंगे काफी खर्च भी हो सकता है काफी कंट्रीज ऐसे कर भी रहे ऑलरेडी ठीक है already, अब देखिए इंटरनेशनल सीबर्ट अथॉरिटी करके एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1982 का यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जिसको उनक्लोस बोलते हैं इनका एक यूनिट बोल सकते हो आप ये जो इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है ये एक्चुअली परमिशन देता है या एरिया अलॉट करते हैं डीप सी माइनिंग के लिए अगर कोई भी कंट्री को डीप सी माइनिंग करना है तो कहां तक वो लोग डीप सी माइनिंग कर सकता है ये करते हैं इंटरनेशनल सीबर अथॉरिटी ये ध्यान दीजिएगा तो ये आई एस पार्ट उनको बोल सकते हो आप इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ठीक है इंडिया पहला कंट्री जिसको पाइनियर इन्वेस्टर करके एक टैग मिला था 1987 में एंड वाज गिवन एन एरिया ऑफ अबाउट 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ठीक है हमारे जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेस है जिसको सीईओ भी बोलते हैं तो ये पर्टिकुलर पोली मेटेलिक नूडल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए 1987 को ही हमें परमिशन मिल गया था तो इंडिया के पास ऐसा एक स्टेटस है इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ पाइनियर इन्वेस्टर ठीक है यह भी ध्यान दीजिएगा तो वही लिखा है मैंने जो बोला अभी आपको ये तीनों स्टेटमेंट सही निकल के आता है आंसर इस ऑप्शन डी वन टूट थ्री

काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था कुछ ट्रेड यूनियंस का कहना यह है इस तरह गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में लाने से इसका प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है वो चलता रहेगा अब देखिए कैबिनेट तो अप्रूवल दे दिया तो बेसिकली ऑर्डर फैक्ट्री बोर्ड अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा राइट जस्ट लाइक पीएसयू ठीक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसी तरह तो स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है वन एंड टू सही है तीसरा गलत है एक बार देख लेते हैं इट इज एन अंबला बॉडी फॉर द देंट फैक्ट्रीज एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन देखिए ये ऑर्डिनेस फैक्ट्रीज क्या होता है हमारे फोर्सेस के लिए जितना वेपन व्हीकल स्पेशाइज व्हीकल वगैरह बना के देने वाला एक फैक्ट्री आप बोल सकते हो एक वेपन मेकिंग फैक्ट्री है बेसिकली एंड इज अंडर ए सबोर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ओबीसी बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आएगा फर्स्ट इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुआ था सेवनटीन टाई डच कंपनी एस ए गन पाउडर फैक्ट्री वेस्ट बंगाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल में ऐसे गन पाउडर फैक्ट्री सबसे पहली बार इंडियन ओर्डेंट फैक्ट्री बना था ठीक है इट इज ए कॉन्ट ऑफ फोर्टी वन फैक्ट्री आप देखिए जो पर्टिकुलर ओडरेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसमें फोर्टी वन फैक्ट्रीज है नाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है थ्री रीजनल मार्केटिंग सेंटर है एंड पांच रीजनल कंट्रोल ऑफ सेफ्टी तो इतने सारे एजेंसीज का एक फैक्ट्री बोर्ड को राइट right? इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है तो स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है इट इज एन नंबला बॉडी तो वही लिखा है स्टेटमेंट वन एन टू तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करके दिया आपको ही लिखा है ये गलत है कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर सो आंसर इस ऑप्शन ये वन एंड टू ओनली क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया विचार करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नो द आंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ओली स्टेटमेंट थ्री गलत है देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में आया था क्यों आया था क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका को कुछ हंड्रेड मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है न्यूज सुबह हर्षिशाह ने कवर किया था अब देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कंट्रोल में नाइनटीन एटी में स्टेब्लिश किया था इसका मेन एम क्या है फिनेंसिंग फेसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फोरिन ट्रेड इन इंडिया नाम से आपको पता चल चलेगा जितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक लिखा हुआ है तो फॉरिन एंटिटीज को लोन प्रोवाइड करते हैं एक्सिम बैंक जो है ठीक है ये लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं बेसिकली ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीजन डेवलपमेंट बैंक्स को को गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज ग्रोड ठीक है इंडिया के बाहर इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई आरबीआई का रेगुलेशन है इसके ऊपर आप देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है इट वॉ वॉन्डेड इन नाइनटीन एटी ऑन सब्सिडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल सही इट एक्सटेंड्स लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग सवर गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स को भी ये लोन देते हैं जैसे अभी श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है ठीक है इज नॉट रेगुलेटेड लिखा है गलत है दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं तो आंसर इज ऑप्शन ये वन एंड टू ओनली क्वेश्चन नंबर फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बोली फ्लाइंग स्क्वाच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नो आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट टू गलत है देखिए बोली फ्लाइंग स्क्वायरल न्यूज में आया था क्यों आया था मैं बता देता हूं देखिए दोस्तों करीब एक हफ्ते पहले साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड टू न्यू स्पीशीज ऑफ वोली फ्लाइंग स्क्र नेमली टिपेटन वोली फ्लाइंग स्क्वायर जिसका साइंटिफिक नेम है यूपेटरस टिपेटेंसीज ठीक है एंड यूनान वोली फ्लाइंग स्क्वायर तो ये दो स्पीशीज रिसेंटली डिस्कवर हुआ है हिमालय से इसलिए ये न्यूज में आया था वैसे जो वोली स्क्वायर है ये रग्ड हिमालयन हैबिटेट में दिखता है सिक्सटीन फीट ऑल्टीट्यूड में राइट देखिए ट्वेंटी सेंचुरी में ये सोच रखा था ये जो पर्टिकुलर स्क्वायरल है ये ये हो गया था था करके पर 1994 में ये पाकिस्तान में पाकिस्तान हुआ था। अभी इसकी जो पॉपुलेशन है थोड़ा बहुत ठीक है केवल हिमालयन हैबिटेट में दिखता है सिक्किम वगैरह में ये दिखता है करके काफी न्यूज आया था बहुत पहले ठीक है अब देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है इट इज वन ऑफ द रेरेस्ट मैमल्स विच इज सीन इन पार्ट्स ऑफ इंडियन हिमालयास स्पेशल्सो नोन एज पिकनो स्क्वायर

तो दोस्तों हमारा डेली फाइव मोर क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है कल एक क्वेश्चन पूछा था ए रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समाइम्स एंट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट वॉट इज बेस इफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट देखिए इन्फ्लेशन रेट के कैलकुलेशन में पिछले साल का प्राइस लेवल का इम्पैक्ट जब होता है ना उसको बेस इफेक्ट बोलता है ये हमने काफी वीडियोस में बताया है आपको ऑलरेडी बेसिक इकोनॉमिक टर्म है इस तरह के इकोनॉमिक टर्म्स जितने भी उसका जानकारी तो आपको होना ही चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है यूपीसी प्रीलिम्स में आज का क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स ये क्वेश्चन यूपीसी 2011 प्रीलिम्स में पूछा गया था इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिलना होगा सॉरी फॉर बीइंग लेट आज थोड़ा कमिटमेंट्स था इसलिए मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ कल से मैं टाइमली अपलोड करने की कोशिश करूंगा लेक्चर की पीडीएफ ए आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जानकारी के लिए बेसिकली मेंस की परस्पेक्टिव में या फिल्म की परस्पेक्टिव में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं हर्षितम में आप विजिट कीजिएगा काफी हेल्प मिल जाएगा आपको तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई डे